सो दिस इज़ पतंजलि मुल्तानी मिट्टी बॉडी क्लिनजर, या कह सकते हैं बॉडी सोप। टैगलाइन क्या कहती है? कूलिंग, रिफ्रेशिंग एंड प्योरीफाइंग द स्किन। और इसे इस्तेमाल करने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि यस, ये अपनी टैगलाइन को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर नेचुरल रखने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से इस सोप में आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की एक लंबी लिस्ट मिलने वाली है, बहुत ही कम केमिकल्स के साथ। तो इससे पहले कि इस वीडियो में हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। कुछ इस तरह के व्हाइट एंड गोल्डन कलर के कार्टून बॉक्स के अंदर प्लास्टिक से रैप्ड आपको साबुन मिलता है। पतंजलि के जो भी साबुन 30-35 रुपए के ऊपर मिलते हैं, वो कुछ इसी तरीके की पैकेजिंग में आते हैं, जो कि काफी डिसेंट सी लगती है। तो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है और किस रेशियो में यूज किया गया है। तो इस साबुन के हर 10 ग्राम के हिस्से में आपको मिलता है हल्दी 5 मिलीग्राम, घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा 5 मिलीग्राम, नीम 5 मिलीग्राम, मजिस्ट 5 मिलीग्राम, तुलसी 5 मिलीग्राम, भृंगराज 5 मिलीग्राम, यास्ती मधु 5 मिलीग्राम, प्लास 5 मिलीग्राम, शुद्ध सुहाग यानी कि बोरेक्स पाउडर 20 मिलीग्राम, पुदीना 20 मिलीग्राम, अजवाइन 5 मिलीग्राम और कपूर 20 मिलीग्राम। इन सभी इंग्रेडिएंट्स का जो वेट होता है, वो मिलाकर होता है 105 मिलीग्राम। बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है वो है 9895 मिलीग्राम, यानी कि 9.895 ग्राम, जो कि बना है बेस मटेरियल से, जिसमें इस्तेमाल किया गया है वेजिटेबल ऑयल, बेस नूडल्स, मुल्तानी मिट्टी का, घृत का, एलमंड ऑयल का, तिल ऑयल का, जिंक ऑक्साइड का, BHT का, सुगंधित द्रव यानी कि फ्रेग्रेंसेस और वाटर QS यानी कि क्वांटिटी सफिशियंट, एक सफिशियंट अमाउंट में वाटर का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप इस सर्कल को 75 ग्राम का सोप मान लेते हैं, तो जितनी भी ये कलरफुल लाइंस आपको दिख रही हैं, वो शो करती हैं इसके इंग्रेडिएंट्स को, जो सोप का सिर्फ 1.05% हिस्सा है, जिसका वेट होगा 0.7875 ग्राम। और बाकी बचा हुआ जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है, वो शो करता है बेस मटेरियल्स को, जो कि सोप का 98.95% हिस्सा है, जिसका वेट है 74.2125 ग्राम्स। तो बात करते हैं इसके प्रोज की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अपनी टैगलाइन को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है, जिसमें लिखा हुआ है कूलिंग एंड रिफ्रेशिंग। ये इफेक्ट आपको महसूस होगा क्योंकि इसमें पुदीना और कपूर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। साथ ही साथ नीम, हल्दी और बोरेक्स पाउडर जैसे इंग्रेडिएंट्स की होने की वजह से यह आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से प्योरीफाई भी करता है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो मुल्तानी मिट्टी की होने की वजह से आपके ये ऑयल को काफ़ी अच्छे से रिमूव करेगा। साथ ही साथ ये स्किन को पूरी तरीके से ड्राई आउट नहीं करता है, क्योंकि इसमें एलमंड ऑयल और तिल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, तो ये नरिश भी काफ़ी अच्छे से करता है, तो ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी के होने की वजह से थोड़ा सा ये दानेदार यानी कि रफ सा महसूस होता है जब आप अपनी स्किन से इसे रब करते हैं, बट ये चीज़ इसे काफ़ी ऑथेंटिक भी बनाती है। तो ये ओवरऑल आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन भी करेगा, उसको नरिश भी करेगा, साथ ही साथ इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, तो उसकी स्मेल भी काफ़ी आपको रिफ्रेशिंग महसूस कराती है। इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स की है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से 24 मंथ्स तक ये यूज़ करने के लायक रहता है। और साथ ही साथ जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फोम क्रिएट नहीं करता है, जो कि मुझे एक अच्छा पॉइंट लगा, जिसकी वजह से पानी का जो कंजप्शन है वो भी कम होता है। तो बात करें इसके कॉन्स की, तो ओवरऑल ये सोप आपको एक्सपेंसिव पड़ने वाला है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 35 रुपीज़ है 75 ग्राम के लिए, जहां आपको दूसरे जो सोप हैं वो 25 रुपीज़ के आसपास 100 ग्राम मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसका जो कंजप्शन है वो फास्ट है कंपैरेटिवली दूसरे जो रेगुलर सोप होते हैं उनके, तो ऑलमोस्ट 2 वीक के आसपास ये चला, यानी कि 14 या 15 दिन के आसपास ये चलता है, तो ये कंज्यूम काफ़ी फास्ट होता है, यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप इसके एक्सपेंस को इग्नोर आउट कर दें, ओवरऑल ये एक बेहतर नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ सोप है, और मार्केट में इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर आपको कोई सोप शायद ही कोई मिलने वाला है। इसी तरह की जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग।